नमस्कार दोस्तों, YouTube News 24 की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला स्टार्ट होने वाली है, जिसके दो पहले टेस्ट मुकाबले चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाने हैं, जहाँ पर दोस्तों अगर आप रिकॉर्ड देखोगे दोनों टीमों का तो 9 मुकाबले खेले हैं अब तक दोनों टीमों ने, जिसमें से 5 मुकाबले भारतीय टीम ने जीतने के बाद इतिहास रचा, तो वहीं इंग्लैंड की टीम को केवल 3 जीत नसीब हो पाई हैं। तो वहीं दोस्तों एक मैच ड्रॉ रहा जो 1982 में खेला गया था। मगर दोस्तों आज बात करते हैं उस पारी के बारे में जहां पर इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए करुण नायर ने 303 रन की विस्फोटक पारी खेली, तो वहीं केएल राहुल ने भी 199 रन की विस्फोटक पारी खेलने के बाद ये रिकॉर्ड बना दिया और भारतीय टीम ने इस मैच को एक पारी 75 रन से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो इस पूरी पारी का हाईलाइट और आप भी भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में जिताना चाहते हो, इंग्लैंड को हराना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और क्रिकेट की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना भी बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो को जो लाइक का टारगेट है वो 5000 लाइक का है। हम उम्मीद करते हैं कि आप 5000 लाइक से बहुत ज्यादा ऊपर निकाल दोगे। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में साल 2016 में 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में पांचवा टेस्ट मुकाबला खेला गया चिदंबरम स्टेडियम में, जहां पर इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया और इनका फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। जहां पर इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में 477 रन बनाए, तो वहीं दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम ने 207 रन बनाए, जहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा रन मोइन अली ने 262 बॉलों का सामना करते हुए 140 रन की पारी खेली। मगर दोस्तों इनकी पारी कोई काम नहीं आई, क्योंकि केएल राहुल और करुण नायर ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां बिखेरना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे थे केएल राहुल करुण नायर की बल्लेबाजी को देखकर, जहां पर केएल राहुल ने मात्र 311 बॉलों का सामना करते हुए 16 चौके और 3 गगनचुम्बी छक्के की मदद से 199 रन की विस्फोटक पारी खेली और एक रन से डबल शतक से चूक गई। मगर दोस्तों हमें सबसे ज्यादा तो तारीफ करनी होगी करुण नायर की। या दोस्तों करुण नायर ने मात्र 381 गेंदों का सामना करते हुए 32 चौके तो वहीं 4 गगनचुम्बी छक्के की मदद से 303 रन की ट्रिपल शतक लगा दिया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों दो भारतीय खिलाड़ी ऐसे हैं जो ट्रिपल शतक लगा चुके हैं, जिसमें दोस्तों पहला नंबर आता है वीरेंद्र सहवाग का, दूसरा नंबर आता है करुण नायर का। करुण नायर ने नाबाद 303 रन की विस्फोटक पारी खेलने के बाद इस मैच को जिता दिया और इस मैच को भारतीय टीम ने एक पारी 75 रन से जीतने के बाद इतिहास रच दिया। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि केएल राहुल इसी तरीके से दोबारा से बल्लेबाजी कराएं इंग्लैंड के खिलाफ पहले दूसरे तीसरे चौथे टेस्ट मुकाबले में, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आप केएल राहुल और करुण नायर की धुआंधार बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे कमेंट करके जरूर से बताना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए यूटीवी न्यूज 24।